हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब अच्छे होंगे, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं चुके मैंने शावर अभी नहीं लिया, अभी जाऊंगी। और अभी माँ हमारे लिए मतलब नाश्ता बना दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे मम्मा ने बनाई है अंडे की आमलेट और पापा ने शावर ले लिया बस हमसे पहले। मम्मा अभी थोड़ा काम करवा रही थी मेड के साथ, तो मम्मा ने नहीं लिया है। और बाहर लग रही है मशीन, क्योंकि गाइस मेरे ना बहुत सारे कपड़े थे तो वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मम्मा ने मशीन लगा दिया। और अभी करेगी मेड मशीन लगाने के बाद काम करेगी। तो अभी हम कर रहे हैं चाय नाश्ता, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी शावर लेने। तो गाइस, अभी हो चुकी है शाम के बज गए हैं 4 और अभी तक मशीन में कपड़े नहीं धुले हमने, किसी ने भी शावर नहीं लिया। पूजा भी नहीं हुई आज घर की, टीशिका भी ऐसी बैठी है, ये भी, ये मतलब बेबी, ये गए हैं मम्मी के घर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, पर बनेगा नहीं। और कल नैनीताल का बना था, वो कैंसिल हो गया, पता नहीं किस किस चीज़ के इनके प्रोग्राम बन रहे हैं। निक्कू पार्क है नी, वाटर पार्क। और अभी देखते हैं, और घर की हो तो हो गई है बिल्कुल ही क्लीनिंग, और किचन वगैरह सारा तो साफ हो गया, बस बाहर का रूम रह गया है क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है मशीन। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट भी बिछा दी है, बिल्कुल ही क्लीन कर दिया, वहाँ पे सारी डस्टिंग भी कर दी टीवी के यहाँ पे, और किचन वगैरह सारी बोतलें वगैरह भी भरी पड़ी हुई हैं, फ्रिज में लगानी है बस। और बच चुके हैं 4। तो गाइस, मेरा शावर हो चुका है मस्ट डन, और मैंने हेयर वॉश करा है। मम्मा जाएगी बुआ के साथ मार्केट, शायद मुझे तो पता नहीं कौन सी मार्केट जाएगी, मुझे लगता है कि तिलक नगर जाएगी। और मैंने इसलिए हेयर वॉश करा है क्योंकि गाइस हमारा ना वहाँ पे ऋषिकेश और मंसूरी वगैरह जाने का प्लान बन रहा है, तो इसीलिए मुझे तो लगता है जाएंगे, क्योंकि पापा का कॉल आया, पापा कह रहे हैं कि जाएंगे तो जाएंगे, देखते हैं। गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ पूजा के साथ शॉपिंग करने, मैं भी करने जा रही हूँ, पूजा अपने लिए भी करने जा रही है। और बच्चों के तो मैंने कपड़े निकाल दिया, बच्चों के तो पैकिंग के कपड़े पड़े हुए थे जो एक बार भी यूज नहीं किए हुए हैं, और देखते हैं अभी जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, पक्का है क्या नहीं है। अगर जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि मैं तैयारी तो करके रख रही हूँ। वो ये कह रहे तैयारी तो करके रख ले, अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो वो भी ठीक है, रात को जाएंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 5 और मैं जा रही हूँ मार्केट, देखते हैं तिलक नगर या डी मार्केट है हमारे यहाँ पे सेक्टर 7 में रोहिणी, वहाँ जाएंगे। और मैं कह रही मम्मा को, फिर मम्मा मेरे को भी लेके चलो, पर नहीं, मैं टीची को लब्बे को छोड़ के जाऊंगी मम्मी के घर पे, क्योंकि पूजा के बच्चे वहीं पे हैं। गाइस, हम फाइनली निकल गए हैं दादी के घर के लिए, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि बारिश आई थी ना रात को, तो तभी से बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। तो आज मम्मी मार्केट से आ गई, और आप देख सकते हो मम्मा कितना सारा सामान लेके आई है, इसमें आधा बुआ का भी, और मम्मा मेरे लिए एक जोड़ा और लेके आई है। और मम्मा यहाँ पे बना रही है खाना। मम्मा आप क्या बना रहे हो? चावल और चिकन चावल, और मम्मा ने खाने की प्रिपरेशन कर दी है। और अभी मम्मा ने चाय बनाई थी, मैंने तो पी नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं खा रहा था, तो अभी दो और भी पी लिया। तो गाइस, मैं हूँ अपनी जिठानी के घर पे, तो पूजा यहीं पे रुकी थी, तो पूजा ने बोला भाभी यहीं पे खाना बना दे, तो फिर मैंने यहीं पे रुकी। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, और अभी हम शॉपिंग वगैरह करके आए हैं, और गर्मी इतनी हो रही है गाइस, आम की वजह से मेरे पिंपल भी निकल रहे हैं। और अभी हम सारी शॉपिंग वॉपिंग करके आए, देखते हैं पैकिंग रह गई, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मटन तो हो गया, मैंने बनाया मटन चावल, और चावल मैंने भिगो के रख दिया। दीदी के घर पे पानी नहीं आ रहा है, बर्तन भी इतने सारे पड़े हैं, पानी की कैन मंगवाई है। और यहाँ पे बनाई थी पूजा ने चाय अभी, और टेस्टी बनाई है पूजा ने चाय, मैंने तो काफ़ी दिनों के बाद पिया है। और यहाँ पर पूजा और सारे बैठे हुए हैं, और मैं अंदर किचन में काम कर रही हूँ। तो आज हम घर पे आ गए, मम्मा इतना सारा सामान लेके आई है, और खाना पीना भी हो गया था डन, और मम्मा लेके आई है 24/7 से चीज, बहुत ज्यादा लेके आई है आप देख सकते हो। और मम्मा अपने लिए ये लेके आई थी ऋषिकेश जाने के लिए, और मम्मा यहाँ पे कर रही है पैकिंग, और मेरे लिए मम्मा ये 2 नाइट सूट लाई है, शायद और लब्बे के लिए ये टी शर्ट लाई है मम्मा, क्योंकि इसकी जीन्स तो थी बस टी शर्ट नहीं है। तो मम्मा दिखाना, एक ये लेके आई है ब्लैक कलर की, और एक ये वाइट कलर की टीशिका को BTS वाले कोट सेट,
एक ये भी ले जाइए, दो लाइए, ऐसे दो लेके आइए अम्मा, एक ये और एक वो ये। सो आप देख सकते हो माँ ये सब लेके आई, और ये हम अपने लिए लेके आई है चप्पल स्लीपर्स, और ये अम्मा पहनेगी। गाइस ये मेरे को इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। और लब्बे के लिए और पापा के लिए बना रही है, हमारे मेरे लिए और मम्मा के लिए तो बन रहे हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न। और गाइस मम्मा का ना हाथ कट गया, प्लेट निकाल रही थी तो उधर वो पड़ी थी, तो आप देख सकते हो कितना सारा कट गया और वो पड़ी थी गाइस उसके इधर, तो मम्मा का हाथ कट गया इसके चक्कर में। और यहाँ पे मम्मा की पूरी तैयारी हो गई, और गाइस जो ना मम्मा के दो तीन कपड़े हैं तो वो ना मम्मा के टाइट आ रहे हैं और थोड़े बड़े भी आ रहे हैं, तो इसलिए कल मम्मा जाएगी उन्हें रिटर्न करवाने। देखते हैं वो शॉप खुलेगी क्योंकि कल है गाइस मंडे, तो देखेंगे। गाइस पॉपकॉर्न और अंडे की आमलेट हमने खा ली थी और रात के बच चुके हैं दो और मम्मी पापा भी सो चुके हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाइस मेरी स्टडी जरूर फॉलो कर लेना, मेरी स्टडी है टीचर का व्लॉग, जल्दी जाकर मेरी स्टडी को फॉलो करो। गाइस मुझे और सपोर्ट दो, मुझे और सपोर्ट दो, आपको और भी अच्छे व्लॉग मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई लव यू, गुड नाइट, टेक केयर।